सुविधा नहीं है जी, नहीं है। अभी जैसे बरसात आई है, बरसात में बाढ़ आया हुआ है, तो यहाँ आपको कुछ राशन पानी मिला है सरकार? नहीं सर, नहीं सर, नहीं मिला सर। कुछ नहीं मिला? नहीं सर। हम अगला अब इनसे बात करें, कॉल चाहिए, सिक्की चाहिए, बाहर जाने के लिए सुविधा नहीं है, घर दुआर चाहिए। अच्छा अभी हम पहुंचे हैं लौरिया विधानसभा क्षेत्र के धंगटोली गांव में, तो सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। अपना नाम बताइए। छोटू कुमार महतो। छोटू जी, आप लौरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जी। आपके विधायक का नाम क्या है? विनय बिहारी। विनय बिहारी, पिछले 5 साल में आपसे मुलाकात करने आए हैं जी? एक बार आए थे। तो वो समस्या क्या थी आपकी? आपका हमारा बिजली का समस्या थी। तो बिजली मिली? बिजली मिली, लेकिन पैसा दिए तब मिली। और क्या क्या आपकी सब समस्या है सरकार से? हमारी समस्या यही है सर कि हमारे पास स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी हमारा परसौनी गांव में है, गुलाब नगर में आंगनबाड़ी नहीं है, बच्चा यहां से थोड़ू जाएगा परसौनी गांव में, नदी टप के इतना छोटा छोटा बच्चा आंगनबाड़ी में कैसे पढ़ने जाएगा सर? तो ये समस्या है कि बच्चों का आंगनबाड़ी बहुत दूर है, जाने में कठिनाइयाँ होती है जी, और स्कूल की सुविधा नहीं है जी। नहीं है। अभी जैसे बरसात आई है, बरसात में बाढ़ आया हुआ है, तो यहाँ आपको कुछ राशन पानी मिला है सरकार के थ्रू? नहीं सर, नहीं सर, नहीं मिला सर। कुछ नहीं मिला है? नहीं सर। हम अगला अब इनसे बात करेंगे। भैया आपका नाम क्या हुआ? मनोज जी, सरकार से क्या उम्मीद चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? रास्ता चाहते हैं, स्कूल चाहते हैं, आंगनबाड़ी चाहते हैं, ये सब आते नहीं है, गरीब आदमी राशन पानी मिल नहीं रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से कच्ची है, ये ईंट का सड़क है और यहाँ पे सड़क नहीं है, तो ये लोग काफ़ी परेशानी में हैं। और मैं इनसे मैं पूछना चाहूँगा, अपना नाम बताइएगा। निमाती मुस्मात। आप सरकार से क्या चाहते हैं? हमको ना ये थी कॉल चाहिए, सिफ्टी चाहिए, बाहर जाने के लिए सुविधा नहीं है, घर दुआर चाहिए, अच्छा बढ़िया लड़का स्कूल चाहिए, यही हमारा उम्मीद है। तो आपका सरकार किसको बनाना चाहेंगे, नीतीश कुमार को या लालू यादव को? अब यही सरकार बनाओ, उसी को हम बनाना चाहेंगे। जो हमारा काम करेगा उसको बनाएंगे। अच्छा, जो आपको काम करेगा उसी को सरकार बनाएंगे? उसी को बनाएंगे, जो हमारा बढ़िया मतलब काम करेंगे उसी को हम बनाएंगे। चलिए, हम सबसे बड़े यहाँ पे बुजुर्ग है, मैं बुजुर्ग से मैं बात करूँगा। अपना नाम बताइएगा। सर, आपका क्या समस्या है सरकार से? सरकार से समस्या ये है कि स्कूल नहीं है, घर नहीं है। जो हमारा बढ़िया काम करेगा उसको वोट देंगे। अच्छा, स्कूल नहीं है? ना। यहाँ स्कूल काफ़ी दूर है क्या? बहुत दूर। बच्चे जाते हैं पढ़ने? ना, डूब जाएगा। नहीं है स्कूल, बहुत दूर है। हाँ। और हम ले चलते हैं कुछ महिलाओं के पास, ये हमारी एक, अपना नाम बताइएगा। मोहरामी देवी। आप सरकार से क्या चाहती है? क्या चाहते हैं हम? हमने के गांव में ना स्कूल बा, ना लूगर घर बा, न राशन पाता ही मन हम इसे हमने के मिलता है, पैखाना तैखाना के दिक्कत बाटे, गांव में सिफ्टी नहीं के बनल है, कितना दूर फार्म में जाता नहीं सिपाही उन्हें बोले लगाता लोग, ये सब हमने के उम्मीद बा, राशन पताई के घर दूरा के आंगनबाड़ी के है, ये स्कूल के, ये सब हमने के कहे के बा। अच्छा, तो यहाँ पे आपको राशन मिलती है? राशन मिलेगा। राशन मिलेगा? हाँ। अच्छा, यहाँ पे पैखाना वखाना लेटरिन वेटरिन की सुविधा नहीं है? नहीं है सुविधा, नहीं के सुविधा। हम जेनी तनी जानी सन मुखबारी में खेदरानी सन लोग से पानी में जानी सन हो गया। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा समस्या है, ये धंगटोली के लोग है जिनके बच्चे जो है अभी तक स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, और ये सड़क की दशा जो है अभी तक कच्ची है, यहाँ सरकार जो है इनको सड़क नहीं, पक्की सड़क नहीं बन पाई है, जिसे दिखा रहे हैं कि ये काफ़ी, ये घर भी उसी तरह का है, ये घर पे पक्का नहीं बना हुआ, किसी तरह ये प्लास्टिक तान के अपना गुजारा बरस चलाते हैं। और मैं एक और आदमी से बात करूँगा, अपना फिर से बताइएगा कि आप जो है स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि आप स्कूल बहुत दूर है, आंगनबाड़ी दूर है जी, तो आपने यहाँ के जो लोकल मुख्यमंत्री थी मुखिया है उनसे ये समस्या के जी बताए हैं? बताए हैं, लेकिन कोई हमें, हम लोग गरीब हैं, कोई हम लोग का बात सुन ही नहीं रहा है, यही बात है। अब वोट मारने के लिए आए गए, हम आपको जिता देंगे, उसके बाद में फिर कोई सुनवाई नहीं। चलते, यहाँ पे एक सबसे बुजुर्ग औरत है, मैं उनसे बात करता हूँ। आपको बूढ़ा पेंशन मिलता है? हाँ बाबू, मिलेगा। बूढ़ा पेंशन मिलेगा? हाँ। चलिए, बूढ़ा पेंशन इनको मिलता है सरकार से। बाकी और सुविधा जैसे आपको राशन हो गया, ये सब
ना हमरा नइखे मिलत बाबू राशन आपको नहीं मिलता ना मिलेला ना मिलता कौन घर दुआर नहीं के हमनी के ना घर दुआर बा ना राशन पता ही मिलता बाबू हमरा नहीं के मिला नहीं के बनल हमर बाबू। चलिए हम चलते हैं, ये सब बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे जो है यहाँ पे बिल्कुल स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और ये बच्चों का स्कूल यहाँ पे काफ़ी दूर है, पास में नदी है, पास में नदी है ना जी, नदी है। तो ये कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं जब पास में नदी है? तो नदी है तो यहाँ कहाँ स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमारे गांव में स्कूल है स्कूल नहीं है। अच्छा स्कूल है ही नहीं? नहीं है। तो फिर बच्चों को आप कैसे भेजते हैं पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए ट्यूशन कोचिंग कराते हैं। अच्छा कोचिंग ट्यूशन से पढ़ाते कराते हैं तो पैसा ज़्यादा लगता है, अब खाने में गरीब आदमी आफत है तो पढ़ाएगा कहाँ से, कोचिंग कहाँ से कराएगा। चलिए एक और हमारे सामने आ रहे हैं, मैं इनसे मैं बात करूँगा। अपना नाम बताइएगा। आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या समस्या आपकी सरकार से क्या समस्या है? हम क्यों बताएंगे। चलिए ये इन्होंने बताया कि अभी तक समस्या है लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं। आपको बूढ़ा पेंशन मिलता है? ना। इनको बूढ़ा पेंशन नहीं मिलता आपको? ना। राशन पानी कुछ ना मिलता, राशन ना मिला। जैसे ये बूढ़ी औरत है, इनको राशन पानी नहीं मिलता है, बूढ़ा पेंशन भी नहीं मिलता है। ये बहुत इनको नेताजी आते हैं, 5 साल तक आते हैं, 5 साल तक बाद ये कभी नहीं आते, वोट मांगने के लिए सिर्फ आते हैं और ये अपनी पूरी बुनियादी वोट लेके चले जाते हैं और ना इनको देखने आते हैं ना कुछ करने आते हैं। ठीक है, तो ये लोग काफ़ी समस्या में है, देख सकते हैं कि ये जो है पूरी तरह से पूरी बच्चे है, कोई भी स्कूल बच्चे नहीं जाते क्योंकि स्कूल बहुत यहाँ से दूर है, स्कूल दूर होने के कारण पास में नदी है, फिर नदी में पानी है, फिर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, यहाँ पे स्कूल है ही नहीं। तो इन लोगों को बहुत बड़ा समस्या है कि स्कूल के चलते सड़क नहीं है, जैसे देख रहे हैं ये सड़क, ये पूरी तरह से ईंट का सड़क है, ये सोलिंग है,